बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। 1987 बैच के अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपनी जांच को लेकर देश भर में खासे सुर्खियों में रहे थे। गुप्तेश्वर पांडे के अचानक वीआरएस लेने जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में कदम रख सकते हैं। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ने पॉलिटिक्स में जाने की किसी भी संभावना को फिलहाल विराम लगा दिया है, लेकिन खबर आ रही है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं और एनडीए के घटक दल जेडीयू या फिर बीजेपी के साथ अपनी आगे की चुनावी राह तय कर सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस दिए जाने के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता था। गुप्तेश्वर पांडे की बिहार में एक ईमानदार और कड़क अफसर के तौर पर छवि थी। अब उनके वीआरएस दिए जाने के बाद राज्य में सचिन सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लिए जाने के बाद शिवसेना ने हमला बोला है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि गुप्तेश्वर पांडे पॉलिटिक्स में प्रवेश करेंगे। गुप्तेश्वर पांडे के अचानक वीआरएस लिए जाने और उनके भविष्य की राह को लेकर हम बातचीत करेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी से और उनसे जानेंगे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले के बीच क्या ये सही समय था गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने का और क्या गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू से अपना नाता जोड़ेंगे और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। त्यागी जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी मीडिया ग्रुप में। कैसे देखते हैं, बड़े प्रभावशाली अधिकारी थे, एक ईमानदार अफसर के तौर पर उनकी छवि भी रही है और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो दिन रात मेहनत करके जो मामले की तह है, जो जो भी कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच जिस तरह से उन्होंने वीआरएस लिए है, इसको देखकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है, दिवालिया नहीं है जी, तो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है जी। ये पहला अवसर नहीं है कि जब प्रशासनिक सेवा में कार्यरत या रिटायर होने के बाद कोई आदमी वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हो जी। इस संसद में भी दर्जनों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस समय आर के सिंह है बिहार से जी, वो आईएएस हैं, आपके विदेश मंत्री हैं, आईएफएस हैं, वो पहले से ही आपके मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं एमएस गिल जी। अभी 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 सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं जी गगोई, तो ये पहले से ही लोग आते रहे हैं और वो एक ईमानदार एफिशिएंट अफसर साबित हुए हैं जी। और सुशांत सिंह वाले मामले में उन्होंने जिस तरह से बिहार पुलिस का और बिहार का पक्ष रखा है, उनका वो योगदान जो है वो सराहनीय रहा है जी। और वो अगर वीआरएस लेकर के राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। सर, लगता है आपको कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा, क्योंकि अभी उनकी रिटायरमेंट में कुछ महीने बाकी थे और लगभग 11 साल पहले भी त्यागी जी इन्होंने वीआरएस की पेशकश की थी, तब भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे। ऐसा ही कि मैं बताया आपसे कि पहला अवसर नहीं है जी, जो कौन सा विपक्ष मुद्दा बनाना चाहेगा, कांग्रेस पार्टी जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के 50 केस हैं जब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस चुनाव लड़ चुके हैं जी। और उन्होंने तो मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल को भी राज्यसभा में भेज दिया था, कैसे मुद्दा बनाएंगे, बताइए मुझको आप जी। जी, नंबर एक। नंबर दो, सुशांत सिंह वाले मामले में जिस मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ उन्होंने बिहार का पक्ष रखा है, तमाम बिहारवासी उनके काम से प्रसन्न है। अगर ये अपोजिशन वाले बनाएंगे तो काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। अगर आपने उनकी उन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होंगी तो अकेले जूझते रहे वो जी, तमाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी और मुंबई पुलिस से। बिल्कुल त्यागी जी, एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि अभी जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच पूरी चल रही है, तमाम एजेंसियां इस मामले को देख रही है, तो ऐसे में वीआरएस लेना कहीं कुछ जल्दबाजी लगती है आपको, क्योंकि अभी इनको पत्ते नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, वो सारा मामला हमारी सरकार की संतुति के आधार पर सीबीआई उसको देख रही है, नंबर एक जी। अब इसको डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने भी अपने हाथ में ले लिया, जिस तरह से विदेशी मुद्रा उद्रा का सब चक्कर चल रहा है जी।
नंबर तीन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नारकोटिक्स विभाग, जो छापेमारी करके उन तमाम लोगों पे शिकंजा कसरा है जो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के सेवन का और इसके व्यापार का काम करते हैं। जी, तो बिहार सरकार के किसी अधिकारी के वीआरएस लेने का वहां की जांच पे कोई असर नहीं पड़ता। जी त्यागी जी, एक सवाल ये भी है कि गुप्तेश्वर पांडे जी जाएंगे किस तरफ, क्योंकि पहले जब उन्होंने वीआरएस की बात कही थी तब लगभग साफ था कि वो बीजेपी का दामन थापेंगे, बक्सर से उन्हें पेशकश भी की थी। अब चूंकि समीकरण बदल गया है, सुशांत मामले को जिस तरह से आपकी पार्टी जेडीयू ने उठाया है, संतुति उसकी आपने की, फिर सीबीआई जांच भी हुई, तो अब आपको क्या लगता है कि इनका किस पार्टी में जाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? देखिए, जेडीयू बीजेपी में चुनाव के समय परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहती जी है। बिल्कुल, हम दोनों अलग अलग विचारों की पार्टी हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के समय हम एक होकर के चुनाव लड़ते हैं। वो जेडीयू से लड़ो, बीजेपी से लड़ो, उनके उम्मीदवारी को लेकर के किसी दल में कोई किसी किस्म की कड़वाहट नहीं हो। आप चाहते हैं वो जेडीयू में आए और जेडीयू से चुनाव लड़े? नहीं, मैं ये उनके विवेक के ऊपर। सर नहीं, सर पार्टी भी तो चाहेगी ना कि अच्छे लोग हमारे साथ भी नहीं, जुड़े। मैं बताया ना कि ये उनके विवेक के ऊपर है, और ना हम ना बीजेपी किसी पर दबाव डाल सकते हैं। उनकी जो इच्छा होगी वो एनडीए चुनाव लड़ेंगे, हम सब लोग मदद करें। चलिए, ये थे जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, जिन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा कि गुप्तेश्वर पांडे का जेडीयू में स्वागत है या नहीं, क्या गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में जाएंगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि बीजेपी और जेडीयू की विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन वो लोग चुनाव हमेशा साथ मिलकर लड़ते हैं। देखना यही होगा कि क्या वाकई गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी या फिर जेडीयू में से किसी एक का दामन थामेंगे। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ने अभी तक अपनी आगे की राह का खुलासा नहीं किया है और उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने की किसी भी संभावना पर फिलहाल विराम लगा दिया है। गुप्तेश्वर पांडे का कहना था कि अगर वे समाज सेवा करना चाहेंगे तो पॉलिटिक्स में जाए बिना भी कर सकते हैं। फिलहाल गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस के बाद बिहार में सियासी संग्राम खासा तेज हो चुका है और देखना यही है कि अगर पांडे जी बिहार की सियासत में उतरते हैं तो किस दल को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।